दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। मैं प्यार में हूँ, मैं इकरार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ और ब्रेकअप की कगार पे हूँ और मैं विरार में हूँ। तो भाई मुद्दा ऐसा है कि देखो, प्यार मोहब्बत ये आज है, कल है, परसों नहीं है, तरसों फिर है, तो ये तो चलता ही रहेगा। रूठना मनाना इसको छोड़ते हैं और खाने को लपेट दें, क्योंकि भाई भूख जो है वो बहुत जोर की लगी है। जाने मन को तो मना लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा अक्सा भी घुमा देंगे, लेकिन पहले चलते हैं और लपेटते हैं खाना, कहाँ, विरार में। और मैं आया हूँ थोड़ा सा इंतजार में, किसी के प्यार में। आइए भैंस की आंख। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुवा है, हाँ दिल रुवा है, एक दिल रुवा है, हो ये कैचअप नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। तो भाई बॉम्बे बर्गर पे हमारा बर्गर आ गया, बर्गर है क्रंची, वेज क्रंची हमने लिया है और देखते हैं कि कितना क्रंची है। भाई क्रंची तो है। अब ये चखते हैं कि इसमें कितना क्रंचीनेस है। नॉट बैड, क्रंची बर्गर के और थोड़े से मजे लेते हैं। इनकी पैटी बड़ी क्रंची दिख रही है। अब हम विरार में घुसे ही हैं, अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर और बढ़िया बढ़िया क्या है। यहाँ खाने पीने की तो बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं। तो आज आपको विरार का वन ऑफ द बेस्ट फूड हम लाएंगे, परोसेंगे और लेंगे जाएगा और आपको दिखाएंगे और चखाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। देख भाई, चाय पीना है तो सुर्र तो करना पड़ेगा, समझे क्या? ये है असल पोहा, असल पोहे घर। विरार में स्टेशन से जब आप निकलते हो, वेस्ट में जाते हो, तो पहले पोहे की जो दुकान मिलती है वो यही है, असल पोहे घर। और यहाँ काफी सारे पोहे मुझे दिखाई दिए हैं, तो चलिए दो चार तरह के लपेट लेते हैं और चाय में जरूर पीना चाहूंगा। यहाँ पर मस्का पाव भी है, तो पहले पोहा और चाय लपेटते हैं। आइए, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो अपन है असल, असल पूरा नाम क्या है सर? पोहेकर। विरार में मैं असल पोहेकर पे खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने दो तीन तरीके का पोहा ऑर्डर किया है। ये मटका पोहा है, मटका मतलब नॉर्थ में मोठ बोलते हैं। ये मूंग दाल भी है इसमें मिक्स। और ये है पोहा पैटीड। थोड़ा थोड़ा साबुत आने बड़े जरा फील दे रहा हूं मुझे। और यहाँ पे बहुत सारे तरीके पोहे हैं, अलग अलग तरीके, मैंने इसमें तीन चूज किए। पैटी पोहा मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये बहुत बढ़िया यार, क्रंची एकदम। थोड़ी सी चटनी, इवन मैं ये कहूंगा कि यार मतलब मैकडोनल्ड्स में या बर्गर किंग में वो चिकन नगेट्स होते ना, वेरी वेरी गुड फीलिंग आ रही है। बहुत मस्त लग रहे हैं यार, जैसे वो साबूदाना बड़ा होता है, बट ये बहुत अच्छा क्रंची है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये क्रंची वाला जरूर खाना यहाँ आके। और ये फिल्टर कॉफी है, थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। मजेदार। मतलब ये वो है जो मुंबई में सब जगह मिलता है। और जो मुझे सबसे बढ़िया लगा है वो ये है, भाई साहब अमेजिंग बेस्ट पोहा पैटी।
मैं अगर इसको पाव में भी रख के बैठे जाए तो मतलब बहुत मस्त लगेगा यार, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। हाँ मजा आ गया। तो भाई साहब ये पोहे वोहे खाने में मुझे बहुत मजा आया, एंड भी चाय कॉफी वगैरह भी है, वो काला चाय भी है बट मैंने फिल्टर कॉफी यहाँ पर पी है। तो ये खाकर मुझे बहुत मजा आया। अब देखते हैं दूसरी जगह चलते हैं और ढूंढते हैं कि कुछ और बढ़िया खाना क्या है विरार में। आइए रेस्टोरेंट में। इनका स्पेशल है मिसल पाव और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कांदा इन्होंने दिया है, इसमें बूंदी इन्होंने दी है, इन्होंने मुझे मूंग दाल दी है जिसको मोठ भी बोलते हैं, दही है इधर, गुलाब जामुन है और मिसल जो है वो इन्होंने अलग से दिया है। ये है मिसल और ये उसके अंदर का मटेरियल है, इधर पाव है और ये है हमारी छाछ। तो भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है विरार में। अगर आप आ रहे हैं तो ये मिसल जो है वो आपको ज़रूर खाना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो है कि क्लीननेस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर की हुई है। और मिसल के साथ साथ जो आपको जो अलग अलग जो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब मैं तो कहूँगा कि कॉम्प्लीमेंट्री, आपको गुलाब जामुन भी मिल रहा है, छाछ है, दही है, मतलब ये फुल पैकेज है और जस्ट 110 रुपये में ही है यार, ज़्यादा देना भी नहीं है। तो टेस्ट कर लेते हैं यार कैसा है, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया यार, देखने में इतना बढ़िया है तो खाने में तो बल्ले बल्ले होने वाली है भाई, क्या बात है। ओहो मिसल, मिसल भाई साहब मजेदार। छाछ भी एक नंबर है जिसमें थोड़ी बूंदी डाली जाए। हाँ 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 क्या बात है, थोड़ी सी मूंग दाल। ओहो हो, दही टेस्ट करते हैं दही कैसा है। दही नॉर्मल दही है, कई जगह मीठा दही होता है, मीठा मुझे पसंद नहीं है बट आहा हाँ क्या बात है भाई साहब। बहुत ही मजेदार, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्वाद आ रहे हैं यार, क्या ही बताएं। हम यही कहेंगे कि बहुत जायकेदार है विरार में। यहाँ निकले बस स्टैंड के पास ही है वेस्ट में, मार्टन मिसल के नाम से है और यहाँ आए और इसे लपेटें, खाने में बहुत मजा आ रहा है भाई, भूख बहुत जोर की लगी है। आहा हा आनंदम आनंदम आनंदम, क्या बात है। इसके बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो कहीं चलिए कुछ और लपेटेंगे मीठे में। ये
भैया विरार में ग्लोबल सिटी हम जा रहे हैं, वहाँ पर जो है आयजू आयजू बायजू कौन सा पार्क है, याजू पार्क हम जा रहे हैं, वहाँ पर लपेटेंगे कुछ और भी बढ़िया वाला खाना। और यहाँ से शेयरिंग ऑटो मिलता है 20 रुपया में, और एकदम प्यार मोहब्बत के साथ आपको आयजू बायजू छोड़ा जाएगा, और वहाँ पर खाना हम लपेटेंगे क्योंकि हमारा काम लपेटना है। तो भैया जा रहे हैं हम, और ये देखिए ऑटो वाले भैया जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आयजू में लपेटेंगे खाना। चलो विरार वाले ग्लोबल सिटी में रहते हैं, बाकी तुम लोग कहाँ रहते हो देख लो भैया। अरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है भैया, लपक झपक भी चल रही है। विरार में ग्लोबल सिटी में हम आ गए हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि खाने में क्या है। पीछे हमें दिखा है एक मैकडोनल्ड्स, और यहाँ आगे भी कुछ दिखता है तो वहाँ भी लपेटेंगे। माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश लगता है होने वाली है, इसके लिए हम लेकर आ गए हैं छाता, क्योंकि जब होगी बारिश तो मेरी होगी गुजारिश होगी कमला से, मैं बोलूँगा कमला मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीग रही कमला खड़ी। फिलहाल चलते हैं और खाते हैं कुछ खाना विरार ग्लोबल सिटी में। भैंस की आंख, देखते हैं कितनी ग्लोबल है या सिर्फ नाम इसका ग्लोबल है। अंधेरी गोरेगांव वालों, तुम्हें क्या पता विरार में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं? समझे, विरार में बेल्जियम केएफसी मैकडी यहाँ तक कि लॉर्ड पैट्रिक्स भी हैं, वहीं हम बैठे हैं, हमने ऑर्डर किया है 300 रुपया का, बहुत बढ़िया बर्गर खाएंगे, इधर रिंग विंग खाएंगे, अनियन रिंग विंग मिलता है भाई, चिकन विकन भी फ्राइड व्राइड एकदम मजेदार, हमारा ऑर्डर आ रहा है, एकदम लपेटेंगे बढ़िया वाला खाना। कहाँ, विरार में, समझे, होशियार हो जाओ विरार, अब विरार नहीं रहा बेटा, खरीद लो घर जल्दी ही, नहीं तो 1 करोड़ के 5 करोड़ हो जाएंगे यहाँ भी। इंतजार करते हैं अपने खाने का, आइए और खाइए जिमी जोरदार। लॉर्ड पैट्रिक्स में मेरा खाना आ गया है, ये अनियन रिंग है, ये रिंग है, और इसके अंदर क्या चीज वीज भरी है क्या यार? यार कुछ तो है, क्रिस्पी हैं, और ये हैं गोले, ये जलेबीनो के हैं, जलेबीनो चीज और वेजीज। ये कुछ बढ़िया चीज है गुरु, इससे पहले कि बर्गर पे आक्रमण किया जाए। इनका जो पैटी है वो बड़ा क्रिस्पी लगा है मुझे। विरार में एक ऐसा आउटलेट है जो आपको, मैं यूं कहूंगा, मैगडी या बर्गर किंग के कंपैरिजन में बढ़िया ही है, क्योंकि इनके बर्गर के वाला और सारे ऑप्शंस भी हैं। तो यार मजे ले रहा हूँ मैं तो भाई। विरार में अब सब कुछ बेशुमार हो गया है भाई, मतलब ये देख रहे हो, बड़े बड़े आउटलेट है यहाँ पर, पिज्जा वीजा है यहाँ पर, वॉव है यहाँ पर, बेल्जियम है यहाँ पर, केएफसी है भाई साहब, मैकडोनल्ड्स है आगे, बड़े बड़े आउटलेट्स में डीमार्ट है, मतलब छोटी मोटी जगह नहीं है भाई ये। विरार को विरार मत समझो, विरार में अब तकरार हो जाएगी फ्लैट के लिए, रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं यहाँ की गलियों को खंगालने के लिए कि यहाँ पर खाना क्या मिलता है बढ़िया, तो हम आज सुबह से लपेट रहे हैं, और यहाँ पर हमें एक चीता मिला है। चीते इधर आ। यस, ये है हमारा चीता, चीते का नाम है बीइंग ह्यूमन गणेश, गणेश, और हम अभी खाएंगे मोमोज। कौन से मोमोज हम खाने वाले हैं? चिकन खाएंगे, वाइट वाला चिकन मोमोज, और उसके साथ हम खाएंगे चिकन फ्राइड मोमोज, और
और गणेश अपने घर भी लेकर जाएगा मोमोज। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है, भाई साहब अभी बच गए वाह मोमोज से गर्मा गर्म मोमोज आ रहे हैं, तो अभी हम लपेटेंगे और आज यहाँ पर करेंगे इस कार्यक्रम का अंत और जाएंगे हम अपने रिलेटिव के यहाँ पर, वहाँ उन्होंने कुछ इंतजाम किया है तो देखते हैं कि खाने में क्या है। तो मोमोज ले आऊं मैं, तो गणेश कह रहे हैं कि मोमोज ले आइए, तो हम जाते हैं और मोमोज लेकर आते हैं। हमारे मोमोज आ गए हैं। हो गए क्या रेडी? तन्नारे तारे तारे तन्नारे तारे तारे ना चीते खुले इनको। ओ, 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 ये कैसे रख दिया? उठा उठा उठा, खोल इसको। आज हमारी पार्टी हो रही है। नीचे से देख, नीचे से फटेगा, फट गया। इसका क्या किया जाए? ये नहीं रुक रहा है, इसको ऐसे रोक ले। हाँ, तो ये हैं अपने फ्राइड मोमोज और ये हैं अपने स्टीम मोमोज। तो मिस्टर गणेश, क्या खाना चाहेंगे आप? आप दोनों खाइए सब, आपका ये आपकी सिस्टर के लिए लिया है, ठीक है? लेकर आ, लेकर आ, लेकर आ। यस, खोल। अरे वाह, क्या बात है। मार 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 मार, घूंट मार एक, जल्दी जल्दी। ये है मेरी, ये वाली है तेरे लिए। अबे पेप्सी है, पी तो उधर से। हाँ ये मोमोज के साथ गिरा मत देना, पकड़ ले। अभी खाया जाए मोमोज, बस लपेटो, उठाओ, चटनी डाल ले उस पे। स्वाद है, डालू? चटनी नहीं खाता तो भाई साहब। गणेश की और जिमी की चल रही है यहाँ पर पार्टी, फ्राइड और स्टीम मोमोज। तू वेज मोमोज नहीं खाता, बट चिकन ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी खा ले, फिर पैक कर देते हैं, घर ले जाना, ठंडे ना हो जाए, ठीक है? मैं जरा टिश्यू पेपर लेकर आता, टिश्यू मेरी जेब में, टिश्यू पेपर मेरी जेब में, तो पिछली वाली दुकान से ले लिए थे भैंस की, यहाँ ले पकड़ तू। तो भाई साहब मोमोज खाने में बहुत ही मजा आ गया, बहुत मोमोज, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मोमोज होते हैं, खाने में मजा आ रहा है कि नहीं? मजेदार है, बोलिए भाई, भूख लगी है? यस, अभी पैक कर दूं, ले जाएगा बहन के लिए। खा ले ये वाला और खा ले, घर पे खा लियो और नहीं। ये सही से वो बंद नहीं हुई, पकड़ इसे। ये रखा, ये देख, संभाल के ले जाना, गिरना जाए, है ना? कोने में। ठीक है, आराम से, ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। तो ये गणेश के साथ हमने मोमोज लपेटे, गणेश अपनी सिस्टर के लिए भी लेकर गए हैं, तो आपसे भी थोड़ा बहुत कभी बन पड़े तो यार कर दो, ऐसा कुछ क्या ही फर्क पड़ रहा है। तुम एक रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम जा रहे हैं
अपने रिलेटिव के यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आया हूँ और शाम का टाइम है, चाय की चुस्की चल रही है भाई। अमेजिंग चाय में मुझे जायका लग रहा है, इलायची का। हमारे घर की इलायची में स्वाद नहीं आता है, अदरक में ही आता है, बट इधर आ रहा है। और ये मैं खा रहा हूं दही के शोले, मतलब और क्या है दही के शोले, और क्या बोलते हैं कबाब। हाँ, दही के शोले या दही के कबाब। तो रामगढ़ के शोले के बाद मुझे आज देखने को मिले हैं दही के शोले, और ये मैं अपने ही, मतलब मेरे ही घर समझ लो यार। और भाई साहब ये चटनी, हरी हरी चटनी, मतलब इट जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं बाहर से इतना, मैं ब्लॉगर हूँ, बाहर से मैंने इतना खाया है, बट इतने स्वादिष्ट छोले तो मुझे कहीं नहीं मिले। छोले मिले लेकिन ये उससे भी बढ़िया है, इट जस्ट अमेजिंग। मतलब मैं तो ये सब लपेटने वाला हूँ भाई, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप बाहर का जो लपेटते हैं ना, लेकिन कभी कभी संडे को सैटरडे को घर पर बैठ के ना खुद बनाएं, अपनी बीवी से बनाएं, अपनी गर्लफ्रेंड से बनवाएं, कुछ ऐसे कुछ समझ लो, कुछ तड़का लगना चाहिए यार छुट्टी वाले दिन, समझे बात को। तो जाइए और जाकर खाइए, आप भी बनाइए दही के शोले। इंटरनेट पे डिश शायद आपको मिल जाए, वैसे तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये मिली है मुझे सिर्फ यहाँ पर,